केवा थे ने कुण केवा बदल का मां सुराखनी होए एक बाटो तवेज से उछालो यारो। मालवा वाला मारा सगला किसान भाई ने एक मांग पकड़ी रहा है, सोयाबीन को सही दाम दिलाओ। जिगे जिगे प्रदर्शन हुई रहा, किसान की मेहनत का भी कई रंग आता दिखे भी रहा है। कालेज प्रदेश वाली सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र वाली सरकार के एक चिट्ठी भेजी, आणि चिट्ठी मांग धरी के केंद्र वाली सरकार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी करे। अबे गेंद केंद्र का पाला में वहां बैठे मामा जी, मामा जी मने शिवराज जी कृषि मंत्री, केंद्र वाली सरकार MSP पर खरीदी पर माणी भी की है। शिवराज जी की घोषणा उनके बारे में तो आपके मालूम है सही है। यानी विपक्ष वाला मैंने कांग्रेस वाला भाई बहने उन भी मैदान में आई गया। बुधवार सगलान मिली के ना उज्जैन में टावर चोरा आड़ी धरनो दे दियो। एक में सबको बड़ा मुद्दा यो तो सोयाबीन का भाव को कलेक्टर के माध्यम से किसानों की आर्थिक परेशानियां, बिजली दरों में बेहतराज वृद्धि, खस्ता हाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार, आजा अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर ज्ञापन। मान्यवर मध्य पर अत्याचार आदि मुद्दों पर किसान भाई उनकी सोयाबीन का भाव की बात चली रही तो लगे हाथ गट्टियाक माय बुधवार दफोर हुए। यो विरोध प्रदर्शन भी देखी लो, टिकेत जी वाली भारतीय किसान यूनियन का बैनर तले नरा किसान भाई उनने जलवास लेके गट्टिया तक ट्रैक्टर रैली निकाली। यहाँ तहसील का बाहर धरनो दियो ने SDM का जरिए सरकार का सामने अपनी मांगा धरी। इनमें मेन मांग तो सोयाबीन को भाव 6,000 रुपया करवा को, सिंचाई वालों बिजली बिल माफ करवा को, रबी में 12 घंटा बिजली देवा को, सर्वे कराई के सोयाबीन के हुए नुकसान की भरपाई करवा वाली मांगा मेन थी। कदा थोड़ी बहुत बची खुची सोयाबीन फसल, पीला मोजेक रोग, खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन पूरी तरह खराब होकर के बर्बाद हो चुकी है। हम किसानों को हजारों से लेकर लाखों की आर्थिक हानि हो चुकी है, कराने की हम मांग। देखिए हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहे हैं कि आज जो ये जो धरना भी हुआ और जो साल बिजली का जो आयोजन हुआ, ये पटवारी हल्का नंबर 52 ग्राम जलवा से प्रारंभ हुआ था और ग्राम जलवा के किसानों की 9 बिंदुओं पर जो हमारी मांगे थी उन मांगों को लेकर के हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया है, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन संघ द्वारा ज्ञापन दिया है, उनमें 9 मांगे उनकी है, कुछ तहसील से संबंधित भी है, कुछ मांगे विद्युत विभाग से है और कुछ शासन स्तर से होना है और कुछ मांगे भारत सरकार के स्तर से भी होना है। तो ज्ञापन अभी लिया है और ज्ञापन हम वरिष्ठ को अवगत करा रहे हैं। रोज डेली पेपर उनमें छपे, अपन दिखाए, अपना हरी का नरा भाई उन दिखाए, एक बात भी लोग कजे कैसे ठगाई जाए। अपना एक लक्ष्मी नगर का रहने वाला एक भाई साहब है सुनील जैन साहब, इनके कई कारोबार वारोबार का चक्कर में 18 करोड़ रुपया को लोन चाहिए थो। लोन का चक्कर में UP का अमेठी वाला कणी एक राजभवन यादव का लपेटा में आई गया। थोड़ी इन बहुत पोना 3 करोड़ रुपये झालर वाली टोपी पहनी है, ठगा एक बात भागता फरिया पुलिस। यो तो खाकी वाला भाई उन सही टाइम पे जगी गया, झट अमेठी जगह ना ठगोरा के उठाई के लेके आई गया। पट्ठा ना आई तो रुपये ठगया ने वहीं वणिज पैसा दो फॉर्चूनर उन खरीदी मिली, जा अबे बेरुगढ़ जेल में दौड़ा फॉर्चूनर। ये सुनील जैन है, हमारे यहाँ के व्यापारी हैं। इन्होंने 18 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए एक आदमी से संपर्क किया, राजभवन ये अमेठी का रहने वाला है। इसने इनको 18 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर फीस और कमीशन के नाम पे अलग अलग समय पे करीब 2,87,00,000 रुपए इनसे वेरियस माध्यम से प्राप्त किए, जिसमें काफ़ी कुछ NFT और RTGS के माध्यम से भी राशि प्राप्त हुई है। इसमें राजभवन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड धोखाधड़ी का है वो भी हमने प्राप्त किया है। इसने जो पैसा इनसे 2,87,00,000 लिया था, इसने अपने खुद के कारोबार में जो कि अलग अलग तरह के हैं ज़मीनों में और इसी तरह के धोखाधड़ी के जो ट्रांजैक्शन है उसमें, प्लस 2 फॉर्चूनर गाड़ी इसने खरीदी थी, वो दोनों फॉर्चूनर गाड़ी खरीद जब्त की गई और करीब 5,00,000 रुपये इससे कैश जब्त किया गया। हाँ बस तुम्हारे भरिया फ्रीगंज बाजार आड़ी की चोरी की एक घटना दिखाऊं।
तीन बत्ती कड़े एक सीपीआर मोबाइल नाम की दुकान है। रात कोई 3:15 बजे एक चोटो यहाँ भरायो गल्लाम दरिया पैसा कोड़ी मोबाइल पावर बैंक कान में गचोड़वा छोटा स्पीकर नरो सारो सामान चोरी गयो। 10 दिन पहला भी मने एक की रात अणी दुकान में चोरी घटना हुई थी। जब भी चोटो यो तो वीडियो उनसे तो योज लगी रहो। अच्छा भट्टो दुकान में भरायो वहां तक तो ठीक, पर भरायो कणी तरीका से या कणी के उज नहीं पड़ी रही। खुद पुलिस वाला भाई उनके भी नी तो तालो टूट्यो नी शटर नी चद्दर उचक्या इका बाद भी माल गायब है नी हाथ की सफाई। नरवर वाला क्षेत्र में देवासाड़ी सड़क पे गावड़ीन मूसा खेड़ी बीच बुधवार अवेरे घटना हुई की। आई एक स्कूल वाली बस का ड्राइवर ने अड़ा सूढ़ गाड़ी भगाई के एक मोटरसाइकिल पे जा रहा 3 जना उनके लपेटा में ले लिया। आनी घटना में एक बेनिया रीना मौका पेज खत्म हुई की। वीका घर से धर्मेंद्र पिता रमेश ने एक और कोई जना हुई 2 जना घायल हुआ है। इनके बड़ा अस्पताल का मैं भर्ती कराया है। ये मुंजा खेड़ी से वहाँ गाँव में नाले सिटी है उसमें काम करने के लिए जा रहे थे विक्रम उद्योगपुरी में जी। ये बस से हुआ ब्राइट स्टार स्कूल बस से ये मुंजा खेड़ी और गावड़ी के बीच में। अपना पाए तो मनक कितना स्वार्थी हो जाए दूसरा जान की जरा परवान रही जाए। इको भी एक उदाहरण देख लो। 4 धाम मंदिर का मेरे कोई सरकारी हॉस्टल है। हॉस्टल माने जहाँ बढ़वा वाला बच्चा बच्ची उन रहे हुए। कार्तिक चौक आड़ी की एक बिणिया सुनीता यहाँ रोटा भाजी बनावा काम करती थी। मंगलवार दोपहर दाल साग बनाता टेम या कुकर फटी गयो। कुकर फटियो बिणिया सुनीता झुलसी की। इतरो बड़ो हॉस्टल ने बापड़ी का अस्पताल तक नहीं भिजवाई। सांजे कोई 7 बजे विका घर से जितेन यहाँ पहुंचो जद विकी हालत देखिन विके अस्पताल लेकिन भगियो। बताओ अबे वार्डन की यह जिम्मेदारी नहीं बने विके अस्पताल पहुंचाए उल्टा मामलो आए वहीं करवा फिराक में लगे रिया। सर ये सुभाष चंद्र बोस जयसिंहपुरा हॉस्टल में भोजन बनाते हैं सर। रसोईया के काम में मैं रसोईया बनाता था। ये सर रसोईया का भोजन बनाती है सर। तो ये इसमें 10:30 बजे कुकर खोलने गई तो कुकर एकदम वो लोगों ने बताया नहीं होगा कुकर भाप ज़्यादा है तो इस खोला तो डायरेक्ट तो उसका पानी सब इसके ऊपर। फिर बाद में हम यहाँ एडमिट हो गए उसके बाद में मैडम का मोबाइल आया और अपने सब वार्डन है उनको मैंने बोला सर कहाँ ले जाना है भाई को कि पहले एक बार मैडम से बोल दो कि भाई कहाँ ले जाना है। तो मैडम ने मोबाइल नहीं उठाया तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल ले आया। फिर वहाँ पर मेरे से पूछताछ सब हुई मैंने जो घटना घटी वो सब पूरी बता दी सर। अबे बारी मंडी वाला भावताओ की। उज्जैन मंडी में बुधवार एक गाँव की 3536 बोरी की आवक थी। गाँव का भाव 1800 से लेकर 3350 के बीच में रहा। काबली चना का भाव 6500 से लेकर 12411 रुपया। बड़ा चना का भाव 5501 से लेकर 7400 रुपया। हरा मूंग का भाव 7850। सोयाबीन का भाव 2801 से लेकर 4801 रुपया। राजमा का भाव 8600 ने धनिया का भाव 4200 रुपया का रहा है। उज्जैन थोक मंडी में आलू के 250 कट्टा की आवक थी। आलू भाव 1000 से लेकर 2200 का बीच में मॉडल भाव 1700 का रहा है। प्याज की 8100 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 1500 से लेकर 3800 का बीच में मॉडल भाव 2200 का रहा है। लसन की 1000 कट्टा की आवक थी। लसन का भाव 9000 से लेकर 25000 का बीच में मॉडल भाव 18000 रुपया का रहा है।